नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, जैसा कि हमने सुबह एक वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि आज कैबिनेट मीटिंग होनी है मध्य प्रदेश सरकार की, जिसमें MP पुलिस वैकेंसी 2018 के ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज ये कैबिनेट मीटिंग हो गई है और आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, कुल 6,350 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, आज कैबिनेट का फैसला आ गया है और इस साल 6,350 पदों पर भर्ती होगी। इस पे सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। साथ में इसके दोस्तों 620 पोस्ट जो कि हैं आपकी ट्रैफिक पुलिस के लिए भी रखी गई हैं, मतलब 620 पदों पर ट्रैफिक पुलिस की भी भर्ती होगी। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आप लोग शुरू से इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि 2018 में MP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो दोस्तों, आज इसकी मंजूरी मिल गई है और कल आपको सभी न्यूज़पेपर में इसकी जानकारी मिल जाएगी कि इस साल 6,350 पदों पर भर्ती होने वाली है और बहुत जल्द ही इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाएगा। दोस्तों, पहले उससे पहले आपका जेल प्रहरी का फॉर्म भराएंगे, उसके बाद संभावना है कि जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा जिसमें कुल 6,350 पदों पर भर्ती होगी। तो दोस्तों फिलहाल MP पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी यही एक लेटेस्ट अपडेट आई थी जो कि हमने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आती है तो हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। Close till I get up. Time is barely on our side.